Hey guys, Fpp Conqueror here. Welcome to our channel, guys. So guys, अभी इस वीडियो से हम लोग वापस से अपनी गेम प्ले सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं सीजन 14 डू Fpp Conqueror. मेरा एक्चुअली Conqueror हो चुका था तो मैं गेम प्ले करना मीन्स गेम खेलना ही बंद कर दिया भाई. इतने हैकर साथ है कि डिमोटिवेशन हो जाता है, इस वजह से मैंने बंद कर दिया था. लेकिन अभी मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा क्योंकि काफ़ी लोग मेरे यूट्यूब पर कॉमेंट सेक्शन में मेरे से बोले कि भाई वापस से आप गेम प्ले डालो और गेम प्ले चाहिए. तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं फिर से. तो गाइज ये प्लेन पाथ देख लो, इधर मिल्टा पावर से झरकी का प्लेन पाथ था ऑलमोस्ट. तो मेरा जो मेन ड्रॉप मींस मेरा जो यूजुअल ड्रॉप लोकेशन है, मैं ऑलमोस्ट 60-70% यहीं पे आता हूँ. सीजन 13 Conqueror अपने फ्रेंड का जब किया था तो भाई 95% यहीं पे आता था. तो अभी देखो हम यहीं पे अपना मेरा मार्क जॉर्जोपुल के बैक साइड वाले सिटी के छोटे वाले सिटी मीन्स जॉर्जोपुल सिटी के साइड में जो छोटी सिटी है उधर पे हम जाते रहते हैं. तो हमको हवे में कोई दिखता नहीं, हम लोग किसी को स्पॉट नहीं करते और पैराशूट खुलता है तो भी कोई नहीं दिखता. तो हम लोग क्या करते हैं, जॉर्जो सिटी दोनों लोग मिलकर लूटते हैं मस्त. और जल्दी जल्दी मीन्स हम लोग का ये रहता है कि भाई जल्दी जल्दी लूट लो, कहीं पता चला जॉर्जोपुल में कोई गया हो या कुछ हो तो हैकर वैकर आ जाए तो दिक्कत होगी. तो हम जल्दी से भी यहाँ पर उतरेंगे जॉर्जो सिटी में और लूट करके वापस अपना बैक साइड वाले एरिया में चले जाएंगे. वैसे गाइस मैं बताना चाहूँगा कि इस गेम प्ले में बहुत अच्छी लॉबी नहीं थी और मेरे किल्स भी बहुत अच्छे नहीं आए थे, बट हाँ चिकन लिया मैंने सो इसलिए डाल दिया. और इस मैच में मेरे 15 प्लस होते चिकन लेने पे और 4 किल ही रहते हैं, जिसमें अभी आप देखो आगे तो मैं आगे बताता रहूँगा जरूरत पड़ेगी तो. मेरे को भी थोड़ा बोर हो रहा है लेकिन भाई मज़ा आ रहा है ना, जो लास्ट में फाइट करने को भाई मर रहा हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है मारने को. एकदम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब खुद के डिपेंड पे मैं कर रहा हूँ, मतलब हाँ यहाँ जाने होल्ड करूँगा आराम. तो गाइस देखो यहाँ पे एक बॉट आ जाता है, तो मेरा फ्रेंड बताता है मुझे तो उधर बॉट है तो मैं जाके इसको मार देता हूँ. अभी जो मेरा फ्रेंड मेरे साथ खेल रहा है गाइस वो क्राउन 1 पे है. वो एक टाइम पे मैं जब क्राउन 5 या डायमंड 1 पे होता था तब से वो बंदा क्राउन 1 पे ही है. उसने रैंक पुश बीच में छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हैकर्स, लेकिन अभी वो वापस से मैं उससे थोड़ा सा बोला कि भाई आजा खेलते एक दो मैच, एक दो थोड़ा सा मीन्स एक जानते हो थोड़ा प्लस मिल जाएगा तो बंदा हो सकता है बूस्टअप हो जाए फिर से पुश कर ले. और यहाँ पर फिर एक दूसरा बॉट आता है, यहाँ इसको भी मैं मार देता हूँ. और यहाँ पे देखो जोन हम पे नहीं था, मीन्स जोन हमसे थोड़ा सी 20-25 मीटर था. एक्चुअली हम लोग का यूजुअल रोटेशन जो है कि जॉर्जो के नीचे वाली जो सिटी थी ये जो सामने मेरे है इसको लूटते थे हम लोग, और उसके बाद वो स्क्वाड है उसमें गाड़ी सीढ़ी पे फंसा के बैठ जाते थे कि कोई भी आए तो पुश वुश करने में ना हो उसको दिक्कत हो. तो हम लोग का यही सेम चीज चलता था. लेकिन अभी क्या था कि स्क्वाड हाउस जोन के बाहर था तो हम आ जाते यहाँ पे और आराम से मीन्स होल्ड करते हैं, थोड़ा बहुत लूटते हैं जो लूट वूट बची रहती है यहाँ पे. यहाँ पे हम लोग रुकेंगे थर्ड जोन तक, तो जो भी रैंक पुश करता है भाई उसको तो इतना पता ही है कि भाई हाई लीग पे जाने के बाद जोन के बाहर स्टे करना पड़ता है थोड़ा बहुत हैकर से बचने के लिए. तो अभी हम इधर काफ़ी देर तक स्टे करेंगे और फिर रोटेशन लेंगे जोन के लिए. तो गाइज़ इधर से हमारा रोटेशन स्टार्ट हो चुका है जोन के लिए और ये ऑलमोस्ट फोर्थ जोन बनने वाला है. हम थोड़े से लेट हैं लेकिन ठीक है, मींस उतना अभी डैमेज नहीं पड़ता फोर्थ जोन का, तो हम लोग थोड़े से तो लेट थे थर्ड के हिसाब से. देखो अभी ये फोर्थ जोन इसके बाद बन जाएगा, थर्ड जोन कम्प्लीट होने वाला है. तो हम निकल जाते हैं और जॉर्जोपुल से मीन्स अपना इधर से मीन्स ब्रिज से ही ले लेते बिकॉज इतना देर तक कोई उधर स्टे तो नहीं करने वाला. बंदे स्टे करते हैं बट कैंपिंग पोजीशन में कोई भी जो भी होगा भाई वो रैंक पुशर ही होगा इतने देर तक जोन के बाहर रहने वाला, और जो जोन के बाहर इतना देर तक है वो घरों में बैठेगा ऐसा रिज विच पे होल्ड करके, ब्रिज कैंप नहीं लगाएगा. तो इधर से अभी देखो ये शेर जो करके बंदा नहीं है, ये हैकर है, ये काफ़ी बंदों को मार चुका है इससे पहले भी, और ये बीच में हमसे भी उसकी थोड़ी सी फाइट होती है लेकिन हम लोग बच जाते हैं वहाँ पे. आप आगे देखना. और गाइज इस मैच में मेरे फ्रेंड का जो पिंग है बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज वो मुंबई का है और मुंबई में थोड़ा सा अभी फ्लड की वजह से नेट का इशू चल रहा है. तो देखो अभी ये जोन ने हार्ड शिफ्ट लिया तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि बंदे जो पहले मोस्टली रहे होंगे वो सवरनी साइड. देखो सवरनी का ऐसा एरिया ना कि वहाँ कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं तो बंदे उधर छोटे छोटे घरों में जाके बैठ जाते या तो सवरनी वगैरह पे होंगे. तो हम इधर जो ये ट्रिपल स्टोरी वाला एरिया इधर सीधा हम जोन में एंट्री लेते हैं क्योंकि हमको मीन्स ये मेरा सेम चीज़ ये हमेशा रहता है कि फोर्थ जोन से अगर पॉसिबल है तो ट्राई करो फोर्थ या फिफ्थ जोन से सेंटर ऑफ द मीन्स जोन खेलो, तो उससे काफ़ी एडवांटेज भी हो जाता है अगर भाई हैकर परेशान ना करें तो.
तो देखो गाइस यहाँ पे सीट चेंज करते हैं पिंक की वजह से, भाई गाड़ी रुक जाती है हमारी। अभी जो सामने ट्रिपल स्टोरी वो खाली रहती तो हम उस पर डायरेक्ट स्लैम कर देते, और भाई पीछे से फिर एक टीम और आती है जो हम पे पुश करती है। यहाँ पे हमने स्लैम किया, देखो तुरंत गाड़ी, अभी पीछे से साउंड आएगा गाड़ी का तो हम लोग अंदर चले जाते हैं। मुझे यहाँ पे डर लगता रहता है भाई कि कहीं हैकर तो नहीं है, बिकॉज देखो जो भी रैंक पुशिंग में होता है वो इतना अंधा टाइप का पुश नहीं करता, वो जब तक उसको बहुत ज़रूरी नहीं है जल्दी कोई पुश नहीं करता। सो मुझे डर लग रहा था कि हैकर ना हो, तो मैं आके इधर आराम से बैठ गया। अभी वो लोग ग्रेनेड वेनेड करेंगे कि भाई कोई नॉक हो जाए, तो मैं यहाँ पे स्टेयर्स पे आके इसलिए बैठा हूँ ना कि भाई देखो अभी ऊपर ग्रेनेड आता है तो मैं तुरंत नीचे भाग जाऊँगा, नीचे आता ऊपर चल जाऊँगा। काफ़ी सही पोजीशन रहती है ट्रिपल स्टोरी होल्ड करने के लिए ये जगह। तो अभी देखना हम लोग इधर हैं, वो लोग रिच पे सामने, वो जो रिच पे से हमारी गाड़ी उछली थी वहाँ पे थे। अभी देखो ये शेर ने ये जो नॉक किया है ना, ये सामने वाले बंदे थे, हमें पता नहीं था, तो ये देखो यहाँ पे उसने दोनों को मार दिया। अभी हमको पता चल गया कि वो शेर जो है सामने के साइड है, तो मैं उस पर पीक लेने का ट्राई कर रहा कि देखो अगर दिखे तो भाई मारने का ट्राई करते हैं। देखो अभी मुझे पड़ेगी इधर तो कन्फर्म हो जाएगा भाई कि वो हैकर ही है, वो ट्रिपल स्टोरी में इसको ऑन करके बैठा था लोंडा। अभी मैं फिर से जाऊंगा, उसको थोड़ा सा डैमेज तो देता हूं बट उसको नॉक नहीं कर पाता मैं। देखो यहाँ पे पड़ा उसको एक हेड, लेकिन वो भाई मेरा स्प्रे उतना अच्छा नहीं था और तुरंत वो कवर में भी भाग गया। तो हम यहाँ से अभी गाड़ी लेते हैं, मेरा दोस्त बोलता है कि भाई गाड़ी लो निकल चलो, भाई हैकर पुश कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा, बात भी सही थी। तो हम गाड़ी लेके चल जाते इधर उधर घूम के, और हमको जोन में जब कोई अच्छी जगह नहीं मिलती तो हम वापस से घूम टहल के यहीं पे आ जाते। और अभी देखो किल फीड में आपने देखा होगा शेर को किसी बंदे ने मार दिया तो उनका टीम वाइप हो चुका है, उसको ऑम से एक बंदे ने मारा था। अब भाई कैसे थर्ड पार्टी वार्टी किया वो कुछ भी मुझे उसके बारे में नहीं पता। तो अभी लॉबी में हैकर अभी से कोई नहीं, अभी जो बंदा था हैक कर रहा था वो मर चुका है ऑम वाले के हाथ से। और हम लोग उस रिच पे रुके थे, वो रिच पे हमको अच्छा नहीं लगा तो मैं कहा भाई चलो कंपाउंड में आ जाते, कंपाउंड काफ़ी ये सही जगह लग रही थी मुझे। तो देखो अभी मैच में 9 अलाइव हैं, तो दो बंदे होते हैं सामने के साइड में जिधर मैं अभी देख रहा था, दो बंदे पेट्रोल पंप पे और दो बंदे होते हैं हमारे लेफ्ट में। और ये लेफ्ट वाले मुझे अभी थोड़ा प्रॉब्लम करने वाले हैं, मैं फाइट लेने जाता हूँ तो ये मेरे का थर्ड पार्टी करने का ट्राई करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी करके बच जाता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बंदा नॉक होता है और हम मैं कर देता हूँ फ्लैंक उन पे। मेरे को लगता है भाई सामने वाले बंदे उधर पेट्रोल पंप पे देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ अभी गलत वाला सीन होगा देखना। और मैं इधर से जाता हूँ भाई, तो मुझे आता है साउंड तो मैं जल्दी से पत्थर पे भाग जाऊँगा। देखो यहाँ पे मुझे आता है साउंड, मैं तुरंत मैं पीछे पत्थर के आ जाता हूँ कवर में कि भाई देखो यहाँ पे कि सामने वाले बंदे पे शायद M249 होती है, तो मैं भाई उस पर थोड़ा से पंगे लेने में मेरी डर लगता। तो मैंने बोलता अब मैं अपने बंदे से पीछे से कॉल देता हूँ कि भाई तू मेरे को कवर दे, मैं सामने ही पत्थर के आगे जस्ट बंदा है। तो मेरे फ्रेंड वहाँ से स्कोप ऑन करके हार्ड स्कोप करके बैठ जाता है और वो देखो यहाँ पे इसको मार भी देता है, और ये टीम SP4 वालों ने ही मारा था उस हैकर को। भाई देखो पीछे से ये जो थर्ड पार्टी होती है भाई गलत वाला ही, यहाँ पे अगर वो स्मोक नहीं किया होता मैं तो मैं वैसे ही मर जाता। और मेरा सही टाइम पर मेरा टीम मेट का कवर आया था कि सामने वाले को उसने मारा, मैं पत्थर के पीछे आया। वो देखो सामने रिच पे बंदा है वो, मैं ट्राई करता हूँ कुछ नहीं होता, लेकिन अभी मैं इधर स्मोक पार्ट बना के तुरंत जल्दी से जोन में जाऊँगा अपने टीम मेट के पास में। और यहाँ पे मैंने जब क्रॉस कर लिया तो मैं आराम से आगे थोड़ा सा फिर पीछे की साइड देखता हूँ। देखो अभी दो बंदे पेट्रोल पंप पे हैं, दो बंदे लेफ्ट में हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ लेफ्ट वालों को मार सकूँ तो इजी होगा क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज में है। लेकिन वो भाई पूरा स्मोक स्मोक करके वो भी रिच के पीछे रहते हैं, तो भाई ओपन से जाके पुश करने का लॉजिक नहीं बनता ऐसे भी किसी पे। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं इधर। देखो ओवर एग्रेसिव जाने से कोई मतलब नहीं है, चिकन मिल जाएगा तो वैसे भी अच्छे खासे प्लस हो ही जाएंगे। और यहाँ पे लेफ्ट वाली टीम का एक बंदा नॉक होता है, ये अभी मेरे को गेम में नहीं पता था, ये चीज़ बाद में नोटिस किया मैंने। तो देखो अभी उसने नॉक हुआ फिनिश हुआ, अब लेफ्ट में एक बचा है और दो बंदे पेट्रोल पंप पे। तो अब तक हमको पता चल चुका था कि लेफ्ट में एक है दो पेट्रोल पंप पे, लेकिन पेट्रोल पंप वाले तब तक उसको भी वाइप कर देते हैं। अभी पेट्रोल पंप वालों का हमसे फाइट होगा, वो लोग हम पे। अभी मैं अपने फ्रेंड को कॉल दूंगा भाई कि जा तू गाड़ी लेके आ, वो गाड़ी जोन के बाहर से लेके आता है कि देखो आगे ज़रूरत पड़ सकती है हमको गाड़ी की, इसलिए मैं सेव करा लेता गाड़ी। अभी देखो सामने वो पीक ले रहा था, मैंने उसको ट्राई किया डैमेज देने का, लेकिन भाई कवर में चला गया वो। और यहाँ पे मेरा फ्रेंड गाड़ी ले आके रख देता तो वो लोग गाड़ी पे शॉट्स लेने लगते।
देखो लास्ट जोन में गाड़ी अगर आप सेव करके रखो तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे इसके बाद वाला ये जोन सपोज करो अगर उन पे हार्ड शिफ्ट ले लिया तो मुझे दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने गाड़ी पहले सेव करवा ली थी। अब मैच देखो यहीं पे ऑलमोस्ट अभी धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। वो बंदे देखो वहाँ पे स्मोक करेंगे और राइट से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, वो सीधा हम पे स्लैमिंग करते हैं। देखो सीधा स्लैम ऐसे कभी भी मत किया करो अपने। वो बंदे क्या बेटर के लिए क्या कर सकते थे कि अपने एक बंदे को क्या नाम है या तो डायरेक्ट जोन में भेज देते या हम पे पुश करने के लिए और दूसरा पीछे से कवर देता रहता तो भी काम हो जाता, लेकिन नहीं। अभी देखो गाड़ी चलती गाड़ी में मैंने दो बॉडी एक हेड मारा था और इधर एक बंदे को गिरा दिया, और ये बंदा भाई गाड़ी गलत ही जगह रखता है और यहाँ पे मर जाता है। तो ये चिकन तो काफ़ी मतलब ईजिली निकल गया, हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, लॉबी उतनी अच्छी नहीं थी ये। लेकिन अभी देखो 15 प्लस लगेगा मेरा और रैंक भी ठीक ठाक वापस से बढ़ जाती है। सो गाइज आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।